दोस्तों, सबसे पहले लिखो स्टेनो अकेडमी की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं और मैंने डिक्टेशंस प्रोवाइड आपको नहीं की हैं, बट ट्रस्ट मी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, मैं चाह के भी आपको डिक्टेशंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं इस वजह से। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे फेसबुक के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू मुझे ये पूछा है कि मेरी हेल्थ कैसी है। सो हेल्थ मेरी बिल्कुल एकदम ठीक है, बट जैसा मैंने बताया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ डिक्टेशंस। और हाल ही में जो अभी नोटिफिकेशन SSC NR की वेबसाइट पर हमें मिला है कि 8 नवंबर से स्किल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, सो उसको देखते हुए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लास्ट 10 से 12 दिन जो आपके पास अवेलेबल अब हैं, उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, कितने मैटर आपको प्रैक्टिस करने हैं एक दिन में, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या आपको चीज़ें नहीं करनी है, सो उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे, सो उनके लिए अब हर मैटर बहुत ईजी लगता होगा। कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी बीच में हैं, जिन्होंने उतने मैटर्स नहीं किए लेकिन अच्छा लिखते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शायद कैलाश चंद्रा की 5 से 6 वॉल्यूम्स उन्होंने कंप्लीट की होंगी। सो सभी के लिए मेरा एक सजेशन सबसे पहले ये है कि आपने एग्ज़ाम में घबराना नहीं है। कभी कभार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत ज़्यादा होती हैं, उस वजह से एग्ज़ाम में प्रेशर बढ़ जाता है उनके ऊपर और अच्छा खासा एक मैटर होता है वो उसमें भी प्रॉब्लम आने की वजह से उनका मैटर ख़राब हो जाता है, जिस वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। सो आपने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ एग्ज़ाम डे के लिए यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। अभी लास्ट से जो ये लास्ट के 10 से 12 दिन हैं, इसमें आपको अपनी शॉर्ट हैंड पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है कि आपने चाहे 5 से 6 ही मैगजीन की हो, लेकिन यू आर द बेस्ट, आपको सब आता है, ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए सबसे पहली चीज़। अगर आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई है तो आप देखिएगा एग्ज़ाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं लगानी है अपने मैटर से इस समय पर, क्योंकि अब 10 से 12 दिन रह गए हैं तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि यार मेरी मिस्टेक 3% से कम आनी चाहिए, सर तो हमेशा बोलते हैं इसमें इतनी मिस्टेक आनी चाहिए, इस मैटर में इतनी मिस्टेक आनी चाहिए, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा खुद से नहीं होनी चाहिए कि आप ये सोचो कि यार मेरी मिस्टेक तो इसमें 1% ही आनी चाहिए थी, 1.5% आ गई तो मैं शायद सही नहीं लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं आपने सोचना है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे आप 0% मिस्टेक्स लाइए, चाहे आप 5% मिस्टेक्स लाइए, चाहे 7% मिस्टेक लाइए, सिलेक्शन तो क्वालिफाइंग नेचर का है तो सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि आपको अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना है, बट दिमाग में ये चीज़ नहीं लानी, मतलब एक्सपेक्टेशंस अपने से होनी चाहिए बट इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप मतलब अपना कॉन्फिडेंस ही खो दें, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस आपका कब बनेगा, जब आप ये सोचेंगे कि ठीक है मैटर मेरे सामने आएगा, मैंने लिखना है, उसमें मिस्टेक्स मैंने देखनी है, मैंने अपनी गलतियों से सीखना है बस। इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना कि यार मेरी मिस्टेक्स ज़्यादा क्यों आ गई, क्या आ गई, ये तो अब गड़बड़ हो गई, अब पेपर के एंड एंड टाइम पे मेरे साथ ये मिस्टेक ऐसी मिस्टेक्स आ रही हैं तो अब तो मेरा सिलेक्शन होने से रहा, तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी। एक चीज़ और, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल के अंदर जो रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट्री स्पीचेज़ हों, चाहे वो प्रेजिडेंट स्पीचेज़ हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स स्पीचेज़ हों, चाहे प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस हो, मेरे हिसाब से मैंने इतना सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है कि आप एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आपने वो मटेरियल कर लिया है तो। सो नए अगर आप हैं तो आपने क्या करना है, पुराना मैटर आप जितना भी आपने अभी तक नहीं किया, आपके लिए तो खैर वो नया ही है, सो आप उसको कीजिए। और अगर आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपने क्या करना है, इस समय पर आपने जितने भी प्रीवियस मैटर्स हैं, जितने भी, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस, मैं ये कह रहा हूँ जितने भी प्रीवियस मैटर्स प्रोवाइड किए हैं कोई सा भी उठा लीजिए इस समय पर। क्योंकि क्या होता है, अभी आपके लिए हर मैटर रैंडम है, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना कि मैं कंटिन्यू प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस को करूं, नहीं। आपने क्या करना है, एक मैटर प्रीवियस ईयर डिक्टेशन से कर लिया, एक मैटर आपने प्राइम मिनिस्टर स्पीच का उठा लिया, एक मैटर आपने प्रेजिडेंट स्पीच का उठा लिया, और एक मैटर आपने कैलाश चंद्रा से उठा लिया जो पार्लियामेंट्री स्पीचेज हैं। इस तरीके से आपको उसे अपनी प्रैक्टिस को कंपाइल करते हुए चलना है।
और प्रैक्टिस इस समय करनी क्या है, आप एटलीस्ट 2 मैटर तो टाइप करेंगे ही करेंगे। अगर आप हर टाइम दिन भर घर पे रहते हैं, तैयारी घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है, सुबह उठते ही आपने पहला मैटर एक लिख के टाइप करना ही करना है। अब वो जो मैटर आपने करना है टाइप, वो आप डिसाइड नहीं करोगे कि मैंने कौन सा मैटर टाइप करना है। कभी कभार हम लोग अपने से खुद से धोखा क्या करते हैं, हम लोग मैटर लिखते हैं, मैटर में थोड़ा एक आध लाइन अगर अच्छी नहीं लिखी होती तो हम कहते हैं यार नहीं चलो दूसरा मैटर कर लेता हूँ, उसमें ना ज़्यादा अच्छा आएगा। नहीं, यही नहीं करना आपने। ये जो हमारा बिहेवियर होता है ना अपने प्रति, कि यार कोई बात नहीं एग्जाम में कर लूंगा, ये यही तो धोखा हम अपने साथ कर रहे हैं कि आपने मैटर में 2 लाइन अगर आपकी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई तो आपने दूसरा मैटर कर लिया, वो अच्छा लिखा गया, उसको टाइप किया, आप खुश हो गए। नहीं, ये नहीं करना आपने। आप पहले से ही इस चीज़ को डिटरमाइन कर लीजिए कि आज मैंने ये मैटर मैं करूंगा। मतलब आपने डिक्टेशन उठाई पहले से, एक डिक्टेशन पे उंगली रखी कि हाँ ठीक है आज मैं ये डिक्टेशन करने वाला हूँ। अब चाहे वो गंदी जाए चाहे अच्छी जाए, टाइप तो आपको सुबह करनी ही करनी है। एक मैटर आपका सबसे पहले सुबह ये होना चाहिए। उसके बाद अगर घर पे रहते हैं, मैंने जैसा बताया, तो आपको दिन में एक मैटर करना है। जैसे दवाई होती है ना, 3 टाइम की दवाई, फिर कल डॉक्टर के पास दोबारा आना, तो सेम वैसे ही आपको करना है। ठीक है, आपने सुबह एक डिक्टेशन करनी है, फिर लगभग 12 से 1 बजे के बीच में एक मैटर कर लीजिए, टाइप करना है। और ऐसे ही आपको सोने से पहले, क्या होता है एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है इतना प्रेशर आ जाता है कि नींद सी आती है अजीब सी, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा, या टाइप करते समय आपको बड़ा अजीब सा महसूस होगा, तो उसके लिए क्या है, आप रात को टाइप करने से टाइप करके ही सोइए। क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है पूरा दिन भर आदमी थक चुका होता है तो एनर्जी उतनी नहीं रहती, लेकिन आपने मैटर लिखा है और आपको टाइप करना ज़रूरी है, तो आप चाहे आप पूरे मन से टाइप ना कर रहे हो लेकिन आप टाइप करेंगे और उसमें आप पाएंगे कि उसमें भी आपकी मिस्टेक्स कम ही आएंगी। तो एग्ज़ाम पर्पस के लिए वो बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या नहीं करना, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी दोस्त टीचर कोई भी अगर आपको ये बोलता हो कि यार ये वर्ड तू ऐसे बनाता है, अरे नहीं नहीं यार इससे इजी आउटलाइन मेरे पास है तू इसको ऐसे बना, ये नहीं करना आपने इस समय पे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ पे कोई आउटलाइन परफेक्ट बैठ चुकी है, तो इस समय पे आपको अपनी आउटलाइंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। जो करके आप अभी तक यहां तक पहुंचे हो उसी को कंटिन्यू करना है, नई आउटलाइन इस समय पर आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी। ये करते ही एग्जाम में डबल माइंड हो जाओगे आप, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, तो ये आपको नहीं करना, एक चीज। दूसरा, अभी आप डेली जो मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि 3 मैटर आपने करने हैं, तो 3 टाइम आपने किया, सुबह दिन में एंड रात को। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सुबह जल्दी उठिए, एक मैटर कीजिए, और ऑफिस से आने के बाद सोने से पहले कीजिए। टाइप 2 तो मिनिमम करने ही करने हैं चाहे जो हो जाए, और टाइमर लगा के, हमेशा टाइमर लगा के देखना है कि मेरे को कितना टाइम हो रहा है। अच्छा, कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि टाइम के अंदर कवर नहीं हो रहा। अभी भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका टाइम के अंदर टाइप नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मेरा यही सजेशन है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कम है, टाइपिंग स्पीड आपकी 25 भी है तो बहुत है। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि हम लोगों को क्या होता है, 40 मिनट का टाइम है तो मुझे तो भैया इसको 25 मिनट में टाइप करना है, 30 मिनट में टाइप करना है, तो मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाऊँ। जितना जल्दी हाथ चलाओगे उतनी बार बैकस्पेस यूज़ करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप ध्यान देना। बार बार बैकस्पेस यूज़ करोगे उतना टाइम आपका ख़राब होगा। अगर आपकी स्पीड 60-65 की अगर है तो आपको कोई इशू नहीं है ये बैकस्पेस बार बार यूज़ करने में। मैं तो खुद न जाने कितनी बार बैकस्पेस यूज़ करता हूँ, बट मेरी टाइपिंग स्पीड जो है मोर देन 60 है, तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी स्पीड कम है तो आप क्या करो, जितना टाइप करो उसे अच्छे से टाइप करो। तो कोई आपको ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल स्पीड गिरा दो, नहीं, थोड़ा सा ध्यान से आपको टाइप करना है, थोड़ा सा स्पीड को कम करके, ताकि आपको बार बार बैकस्पेस का यूज़ ना करना पड़े। तो ये तो हो गई बात हमारी टाइपिंग की, कि हमने टाइपिंग पे कैसे करना है। अब बात आ गई कि हमने एक दिन में मैटर कितने करें टोटल, तो आपने क्या करना है, भले ही आप मैटर दिन में 5 करो लेकिन 3 टाइप करने हैं, घर पे रहते हो तो, ऑफिस जाते हो तो 2, रीड हर मैटर को करना है। अच्छा, मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि अब हम कैसे करें, सिर्फ आउटलाइन आउटलाइन हार्ड निकाल के कर लें या फिर पूरे डिक्टेशन करके करें, तो मेरा सजेशन ये है, इस समय आपने अलग से आउटलाइन नहीं निकालनी इस समय बिल्कुल भी। मैं तो ये हमेशा ही मानता हूँ वो टाइम खराब करने वाली बात होती है, वो तब करना चाहिए जब आप प्रैक्टिस फेज में हो, शुरुआत में, जो मैंने पहले तरीका बताया है होमवर्क करने का,
उस फेज में आपको वो करना चाहिए। लेकिन जब आप ऑलरेडी 80, अगर 80 WPM की आप स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो मैंने हमेशा बोला है 85 से 90 के बीच में अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो 85 से 90 के बीच में आपने अगर प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू, तो आप बार बार आउटलाइंस बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मैंने हर बार आउटलाइन निकाली इस समय पर। ये मैं अभी के टाइम के लिए बता रहा हूँ, लास्ट से 10 से जो 12 दिन बचे हैं उस टाइम पे आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये आउटलाइन मेरे से नहीं बनी, चलो इसको मैं अब अलग से कॉपी बना बना के लिख लूँ। नहीं, आपने क्या करना है, जो आउटलाइन आपसे नहीं बनी उसको एक बार लिखा एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस किया 2-4 बार, दैट्स इट, खत्म। इस समय पे जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा डिक्टेशंस लें, और अगर आपने कोई डिक्टेशन आज की है, ये श्योर है कि 1 महीने बाद आपके लिए वो दोबारा से अनसीन हो जाती है। वो आपके लिए अनसीन कब नहीं होती, अगर आपने उसको इतनी बार कर लिया है, इतनी बार कर लिया कि आपको उसकी हर एक लाइन रट गई है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो Volume 7 जो है उसके शुरुआत में क्या है, वो आता है ना, वाई आर देर रेस्टिव, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं उसमें, वो नौजवानों के लिए जो यूज़ किया है, तो मेरे को क्यों याद है, क्योंकि इतनी बार कर लिया है। इस टाइप के मैटर आपको नहीं करने। लेकिन अगर आपने कोई मैटर ऐसा है, कोई आप कंटिन्यू शुरुआत से Volume 1 से करते हुए आ रहे हैं और आपने Volume 1 रिपीट नहीं की है, Volume 1 करते आए आते गए आते गए आते गए Volume 6 पे पहुंच गए अगर आप, तो Volume 1 आपके लिए फिर दोबारा नहीं हो गई है ना। तो आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, उन मैटर्स को भी आप लिखते रहो एक दिन में कम से कम। अगर घर पे बैठे हो तो मैं कहूंगा 8 से 10 मैटर तो आपको लिखने ही लिखने हैं, 8 से 10 मैटर आपको लिखने हैं, जिसमें से 3 आपको टाइप करने हैं जो मैंने बाकी 5 बताए, उन 5 को, ये नहीं कि लिखा और बस हो गया, नहीं, एक मैटर पे पूरा टाइम देना है। घर पे बैठे हो भाई, नौकरी चाहिए ना, तो टाइम यूटिलाइज अपना करो अच्छे से। व्हाट्सएप वगैरह पे इस समय ज़्यादा ध्यान नहीं देना, और ये जो ग्रुप वगैरह बना रखे हैं ना, जिसमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट सिर्फ ये होता है, इसको तो तुरंत एकदम बिल्कुल एग्जिट कर लो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद कर लेना, ठीक है। ये बहुत बड़ी सलाह है मेरी, मैंने आज तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसीलिए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बस, तो थोड़ा सा इससे दूरी हम बनाएंगे। अब आपने करना क्या है, जो मैंने बताया कि आपको 8 से 10 मैटर करने हैं, अब 8 से 10 मैटर आप कैसे करोगे, रीडिंग पे फोकस करना है। एक बात याद रखना, अगर आप ग्रेड डी की डिक्टेशन के लिए जा रहे हो, सिर्फ आपका अगर ग्रेड डी है, तो बिल्कुल भी आपने 100 WPM की डिक्टेशन पे नहीं नहीं जाना, अगर आपकी स्पीड 100 नहीं है तो। सिर्फ ग्रेड डी का मैटर है और स्पीड आपके अभी सिर्फ 90 तक का आप लिख पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप 90 तक की डिक्टेशंस लिखो। जिन डिक्टेशंस की स्पीड 80, 85 एंड 90 है, आप उनको लिखो, ठीक है। आपको 100 वाली पे नहीं जाना, क्योंकि आपकी स्पीड नहीं है, और खामखा आप ये सोचोगे कि मैं 10-12 दिन में 100 वाली भी लिख लूँ तो थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस लो करने वाली चीज़ें करनी ही नहीं है। और अगर आप 100 लिख रहे हो तो आपको 120 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 110 तक भी लिखोगे, लेकिन अच्छा लिखो, जितना लिखो अच्छा लिखो, और रीडिंग करनी है बार बार। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने टाइप करना है ना मैटर, वो आप कौन सा टाइप करो, मेरा सजेशन हमेशा यही है, 80 WPM का स्किल टेस्ट जो देने जा रहा है ग्रेड डी वाला, वो 85 वाले को टाइप करो हमेशा। 85, 88 अगर ऐसे मैटर आपको मिलता है उसको टाइप करो आप, यार 90 भी टाइप करोगे चलेगा, बट मेरा सजेशन ये है ना 80 करो ना 90 करो, 85 वाले को टाइप करो। बाकी लिखो तो सारे जैसे बता रहा हूँ, जो 100 वाले हैं उनके लिए सजेशन ये है 105 वाले को टाइप करो। 100 वाले को भी नहीं करना, 110 वाले को भी टाइप नहीं करना, टाइप करना है 105 वाले को। इन मैटर्स को आप टाइप करो, लिखने के लिए मैंने आपको बता दिया, ग्रेड डी वाला 90 WPM तक लिखे और ग्रेड सी वाला 110 तक लिखे। इससे ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कमांड इन पे अच्छी है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना क्या है, जो आपने मैटर लिखा उसको अच्छे से आपको रीड करना है, रीडिंग इज मस्ट। एक बात और ध्यान रखिए, जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतनी ही जल्दी टाइप कर पाओगे। भाई सीधी सी बात है, आपको मैं अगर इंग्लिश का एक पैराग्राफ टाइप करने के लिए दे दूँ तो आप सीधे सीधे, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नॉर्मल भी है तो आप अच्छे से उसे टाइप कर लोगे। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपको शॉर्ट हैंड में दे दूँ और आपकी शॉर्ट हैंड आउटलाइन सही से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो पढ़ने में जो टाइम खराब होगा वही आपको प्रॉब्लम देगा। तो आपने अपनी रीडिंग ऐसे कर लेनी है जैसे कि बस इंग्लिश की एक बुक रखी हुई है, बस मैं तो वो पढ़ रहा हूँ सीधे सीधे। इस तरीके की आपकी रीडिंग होनी चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको मैं टिप्स इस चीज़ की दे सकूँ कि 10 से 12 दिन में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि
देखो क्या प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम लोग इतनी सारी चीज़ें अपने आसपास घेर लेते हैं। अपने 25 दोस्तों से पूछेंगे यार मेरा स्किल टेस्ट है, किसी से बात करवा दे यार जो इसका स्किल टेस्ट क्लियर हो रखा हो, यार कि कोई है तेरे नोन में, यार मेरे ट्यूशन में एक लड़का है उसका स्किल हो गया था तो उसने तो मुझे बोला ऐसी आउटलाइन बनाओ। अरे तू इतनी बड़ी आउटलाइन बनाता है, मैं तो छोटी आउटलाइन बनाता हूँ, तेरा ग्रेड डी का मैटर 4 पेज में आता है, मेरा तो 2 ही पेज में आता है। ये सब बातें करके आप सिर्फ अपना टाइम भी खराब करोगे और अपना कॉन्फिडेंस भी लो करोगे ऐसे टाइम पे। ये सब आपको करना है तो कोचिंग में करो, आप जस्ट टाइम आप शुरुआत कर रहे हो। अब मोमेंट वो आ गया जब आपको अपना कुछ करके दिखाना है, अब आपको सिलेक्शन लेके दिखाना है, लिखो स्टेनो अकेडमी का नाम ऊपर करके दिखाना है आपने, और आप करके दिखाओगे। ये सब मेरे को यकीन है, मैंने पूरे साल भर पूरी मेहनत की है आप लोगों को ऐसे मैटर प्रोवाइड करने की कि मुझे लगता ही नहीं कि अगर ऐसा मैटर के अलावा कुछ अगर आ जाए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है। अब इससे ज़्यादा क्या होगा, लीगल डिक्टेशन होंगी। एसएससी में अब तक लीगल डिक्टेशन तो नहीं आई है, होपफुली नहीं ही आएंगी। सो आपने बस कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग अगर कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही आपको बताना है मेरा मेन मोटिव कि आपने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना इस समय पर। कोई क्वारी अगर आपको इसके अलावा लग रही है तो आप कमेंट के सेक्शन में नीचे मुझे बताइए या फेसबुक पे बताइए। मेरी कोशिश तो ये है कि टाइम मेरे को मिलता है तो मैं फट से रिप्लाई कर दूं, बट जैसा मैंने बताया सर्कमस्टेंसेस थोड़ा सा अलाउ नहीं कर पा रहे हैं अभी। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सब लोगों के बीच में रखना चाहता था। मैटर कौन से करें, क्या करें, अनसीन लें अनसीन ना लें, तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कोई भी मैटर उठा के कर लो आप पुराना, क्योंकि अब आपके लिए वो अनसीन हो चुका है। तो मैट हाँ एक चीज़ और, जो टाइप करने हैं ना आपने मैटर, वही मैटर आपको एग्जाम में याद आएंगे क्योंकि वही मेहनत असली है। तो आपने क्या करना है, जो टाइप करोगे वो मैटर ऐसा होना चाहिए जो आपने ना किया हो, हाल फिलहाल में ना किया हो बिल्कुल, मतलब ऐसा मैटर होना चाहिए कि जो आपने कम से कम 2 महीने पहले तो किया हो, कम से कम 2 महीने। हाल फिलहाल का मैटर आपको टाइप नहीं करना, ठीक है? और ईमानदारी अपने साथ दिखाना दोस्तों, ईमानदारी अगर आप अपने साथ दिखाओगे तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो बंदा ईमानदारी अपने साथ नहीं नहीं सिखाता, तो आपको बहुत, आपने देखा होगा बहुत लोग, आपने सुने होगा 5 साल हो गए स्टेनो करते हुए, 6 साल हो गए स्टेनो करते हुए, कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। कई लोग ऐसे भी सजेशन देते हैं। एक बहुत फनी बात है, जब मैंने शुरुआत की थी शॉर्ट हैंड की, तो एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि यार शॉर्ट हैंड वॉर्ट हैंड बेकार है, शॉर्ट हैंड में तो पहले शॉर्ट हैंड सीखो, फिर उसके बाद किसी जज के नीचे काम करो, फिर जज आपको डिक्टेशन देगा, फिर एकदम बिल्कुल पक्के तरीके से जब आपको शॉर्ट हैंड आ जाएगी तो 3-4 साल बाद तब आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो ऐसा तो नहीं हुआ, 9-10 महीने के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो जब मेरा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? बाकी कोशिश मेरी यही है दोस्तों कि आप लोगों को मैं पूरी टिप्स दे सकूं। कोई भी डाउट है एग्जाम से पहले, कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। इसके अलावा और कुछ खास है नहीं बताने के लिए मेरे पास। दोबारा से एक बार क्षमा चाहता हूँ कि वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। कोशिश ज़रूर करूँगा कि वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन डाउट्स के सॉल्यूशन में ज़रूर प्रोवाइड करूँगा आप सभी लोगों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ मैं अपनी वाणी को, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, अच्छे से मनाइए और प्ले सेफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।